हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हो, घर पे स्वस्थ हो और अपना काम रूटीन से कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर क्लास प्लस वन का। देखिए, वेक्टर इज नॉट फॉर प्लस वन और प्लस टू और फॉर 10th क्लास। ठीक है, वेक्टर एक जनरल टॉपिक है, ठीक है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, एक न्यू लैंग्वेज है जिसको हमें लर्न करना है फॉर टू अंडरस्टैंड दी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में क्या किया, बहुत सारे वेक्टर्स के डिफरेंट स्लो मोशन में चलते आ रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस बना रहे हैं, वो इसलिए कि हर टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए वेक्टर का। ठीक है, नाउ इन दीज क्लासेस वी आर अप्लाइंग दी वेक्टर टू फाइंड दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वेक्टर को अप्लाई करके। ठीक है, यही हमें करना है भाई, हमें कोई चीज कंसेप्ट पढ़ने का मतलब है उसे अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, नाउ इन दीज न्यूमेरिकल्स वी विल अप्लाई अवर प्रीवियस वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करना अब सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सब न्यूमेरिकल्स हमें इस क्लास में करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास को। आपको पता है कि टू वेक्टर जनरली, थोड़ा सा जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, एंड रिजल्टेंट क्या होगा सेम डायरेक्शन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर, एंड से ए वेक्टर एंड दिस इज से बी वेक्टर, है ना। तो हमें ये भी गिवन है कौन सा बड़ा है, ए वेक्टर से ग्रेटर देन बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, क्योंकि ए वाला बड़ा होगा बी से। क्लियर, और अगर टू वेक्टर्स हैं आपके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एट एन एंगल, सर्टन एंगल थीटा, देन देयर रिजल्टेंट कैसे होगा भाई, ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट, एंड जो रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर की हमेशा क्या होगा, इन बिटवीन बोथ ऑफ देम होगा, एंड जो उसकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी गिवन बाय टेन अल्फा, से अल्फा इज एंगल ऑफ दिस रिजल्टेंट विद द ए वेक्टर। सो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, तो टेन अल्फा क्या होगा बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। सो ये फॉर्मूले हम पहले ड्राइव करके आए यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो एक ही बात है भाई, हमें वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, हमें पता है जब सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो क्या हमें कैसे करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब हमें ऐड ही करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मीन्स अगर आपको चाहिए कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आर वेक्टर प्लस माइनस ओ बी वेक्टर करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में आपको अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना नहीं है, चाहिए सब्ट्रैक्शन पर हम करेंगे एडिशन। क्लियर, लाइक दिस। ओके, तो इनका रिजल्ट यही होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा नीचे, यहाँ यहाँ प्लस है नीचे, यहाँ प्लस का माइनस आ जाएगा, यहाँ भी नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है, रिमेन्स विद सेम। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपको अच्छे तरीके से करवा दिया, तो यही हमें फॉर्मूले कुछ यहाँ पे यूज करने हैं न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है, टू फोर्सेस एफ वन एफ टू। क्लियर, आप ले लो सोल्यूशन वन, F1 क्या दे रखा है आपको सिर्फ 5 न्यूटन, F2 आपको दे रखा है 10 न्यूटन, आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें दिया गया है। ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, फाइंड द रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन, है ना। अगर भी रिजल्टेंट ही बता रहा होता ना तो हमें फाइंड द रिजल्टेंट लिख देता, तो भी हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फाइंड करने हैं अभी। ठीक है, क्योंकि वेक्टर कर रहे हैं, तो वेक्टर में क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, है ना। ठीक है भाई, सो आर क्या होता है आपका रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो हमें अब इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है ना। तो मैग्नीट्यूड अभी बता करके आप कैसे देते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर निकालना ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, एंड डायरेक्शन कैसे देते हैं अल्फा एंगल से, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हम दे रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें यही तो फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, आर इज द मैग्नीट्यूड, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं यही फॉर्मूले।
तो मान F1 F2 दोनों के बीच एंगल थीटा हमें मान लो रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट फोर्स मींस नेट फोर्स मान लीजिए कितनी है, F है, R है, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, ए बी जगह पे F1 F2 आ गए क्योंकि फोर्सेस है, ए एंड बी आर एनी वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे कौन से वेक्टर है, फोर्सेस की बात कर रहा है, तो फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos of कितना एंगल है थीटा, लिख दो अभी पहले हम, ओके तो सॉल्व करो, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 5 into 10 into cos of 30 डिग्री है ना, तो 25 प्लस 100 प्लस कितना आएगा अभी, 2 into 5 into 10 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाय 2, क्लियर। इसको 2 से 2 कर दो कैंसिल, तो कितना आ गया ये 25 प्लस 100 प्लस 5 into 10 into 1.732 रूट 3 की वैल्यू, ठीक है। तो कितना होगा भाई 125 प्लस 50 17 लिख लो इसको, अप्रोक्सीमेट 10 इंटू 1.7 17 17 इंटू 5 85 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट करके 85 तो ऐड करोगे कितना आएगा 210, दिस इज F स्क्वायर, F मींस कितना आ गया 210 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कितना होगा इसके, इसका हमें हम देखिए अप्रोक्सीमेट आंसर लिखते हैं कितना होगा। अब देखिए अपना 14 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 14 का स्क्वायर रूट होता है 196, 15 का कितना होता है 225, क्लियर। अब दोनों के बीच में सॉल्यूशन है एग्जैक्टली नियर अबाउट इन बिटवीन बोथ ऑफ दिम, 196 और 225 के बीच का 210 है, ठीक है, अबाउट नियर अबाउट, तो ऑब्वियसली 14 एंड 15 के बीच होगा, तो 14 पॉइंट से समथिंग न्यूटन आपका क्या है, इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ गया। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स जो हमें इस फर्स्ट न्यूमेरिकल की चाहिए, क्लियर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, तो हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप ए बी, ये देखिए ए बी आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये आपका एफ वन है, से दिस इज योर फोर्स एफ टू एट एन एंगल 30 डिग्री, क्लियर। तो ये रही आपका रिजल्टेंट, तो ये होगा आपका रिजल्टेंट जो हमारा क्या आया इस क्वेश्चन में, F लिया हमने फोर्सेस की टर्म में, है ना, तो रिजल्टेंट हमारा आ गया वही फॉर्मूला अभी पैरेलोग्राम वाला, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, इसे एंगल अल्फा, क्लियर। तो हमें फिर से वही लिखो, टेन अल्फा क्या होता है भाई, बी साइन थीटा, अब ए ये रहा बी ये रहा, ठीक है। तो एफ टू साइन ऑफ कितना एंगल 30 डिग्री डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस 30 डिग्री, सॉल्व कर लो, एफ टू की वैल्यू कितनी है 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस एफ वन की वैल्यू 5, एफ टू की वैल्यू 10 साइन कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2, इसको सॉल्व कर लो कितना आ गया ऊपर 5 प्लस 5 रूट 3, क्लियर। तो टेन अल्फा हमारा आ गया, वेरी गुड। कितना आएगा भाई, 5 नीचे कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस रूट 3, तो 1 ओवर 1.73, ठीक है, 1 ओवर 2.73, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.36, देन योर अल्फा कम्स आउट टू बी टेन इनवर्स 0.36 एंड दैट विल बी योर अप्रोक्सीमेट आंसर, आपका आएगा 19 डिग्री 6 इंच समथिंग। सो अल्फा ही आपका एंगल आ जाएगा जी, आप हम टेबल से भी देख सकते हैं, साइन कॉस टेन टेबल से वहां से वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप क्या करना, यहां तक आप यहां से टेन इनवर्स यहां तक आप एंगल को रख सकते हो, ठीक है। यहां तक आप करके, यहां तक तो सॉल्व हो ही चुका हमारा, तो यहां तक टेन इनवर्स करके यहां तक आंसर लिख दो, दैट इज ओके। सो दिस इज योर हाउ टू फाइंड दी मतलब वेक्टर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ ए गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2, देखिए सेकंड न्यूमेरिकल
इक्वल वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम, टू इक्वल वेक्टर्स। तो मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक एफ वन है दूसरा क्या है एफ टू, एंड दोनों ही इक्वल है, दोनों इक्वल है तो हम कंसीडर कर लेते हैं दोनों की वैल्यू एफ है, ठीक है। दोनों इक्वल वेक्टर हैं, अभी देखिए ध्यान से, टू इक्वल वेक्टर्स एफ वन एफ टू आर टू डिफरेंट वेक्टर्स से, पर दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, इक्वल लिख ली तो इक्वल है, दोनों बराबर होंगी तो दोनों को एफ के इक्वल ले लिया, ठीक है। एंड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम, और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इनके ही बराबर है, ठीक है। सो से रिजल्टेंट जो है आपका वो भी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, एफ वन के इक्वल है, ईदर ऑफ देम इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। सो ऑल दीज मीन्स टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो भी तीनों इक्वल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। सो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, हमें क्या फाइंड करना है, एफ वन और एफ टू जो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एफ वन आपका 3 न्यूटन है तो एफ टू भी आपका 3 न्यूटन है, एंड रिजल्टेंट जो आएगा आपका से रिजल्टेंट एफ आएगा दैट आल्सो आपका 3 न्यूटन। अगर 4 है तो तीनों 4 है, 5 है तो तीनों 5 है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला। तो मैग्नीट्यूड लगा के हम क्या फाइंड कर लेते हैं, रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, तो हमें चाहिए भाई, ठीक है, आर स्क्वायर स्क्वायर रूट डाल दो या इधर स्क्वायर डाल दो, तो रिजल्टेंट किसकी इक्वल है एफ के, एफ वन किसकी इक्वल है एफ के, एफ टू भी इक्वल है एफ के, सो ऑल दीज आर इक्वल टू एफ, ओके। सो एफ इज स्क्वायर इज इक्वल टू एड हो जाएंगे 2f² प्लस 2f² ये मल्टीप्लाई हो गए कॉस ऑफ थीटा, क्लियर। और यहां से 2f² को उधर ले जाओगे 2f² माइनस 2f² कॉस ऑफ थीटा, और यहां से एक सब्ट्रैक्शन होगी क्या बचा माइनस f² 2f² कॉस ऑफ थीटा, और यहां से f² क्या हो गए कैंसिल, एंड cos थीटा कितना आ गया आपका माइनस हाफ, क्लियर। अब इसकी हाफ कब होता है, ठीक है, cos थीटा हाफ होता है आपका when थीटा इज इक्वल टू 60 degree, बट वेट वी हैव टू टेकन केयर ऑफ माइनस साइन आल्सो, ये माइनस का क्या रोल है एंगल में वो भी आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव हो वो भी आपका फिजिक्स में वेक्टर डायरेक्शन देता है, और एंगल तो आपका देता ही डायरेक्शन है। सो ये थीटा आ गया हाफ की वैल्यू, थीटा कॉस थीटा हाफ का होता है 60 पे होता है, एंड देन माइनस का भी एंगल में कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो कहां से पता चलेगा आपको पता चलेगा हमें क्वाड्रेंट रूल से, ठीक है। आप क्वाड्रेंट आप हमारी मैथमेटिकल टूल्स की क्लास अटेंड कर लो, आपको क्वाड्रेंट समझ आ जाएंगे, ये आपका 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ओके। ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं भाई, इनके ऊपर ये माइनस पॉजिटिव की डायरेक्शन सॉल्व होती है इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो हमें देखिए कॉस थीटा नेगेटिव, एड शुगर टू कॉफी, ये हमारा रूल है, बहुत पुराना रूल है, एड शुगर टू कॉफी मीन्स एड शुगर टू कॉफी जो हमें लिखे हैं वो सब पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो यहां पे क्या है हमारे cos थीटा नेगेटिव कब होगा, देखिए एड मींस ऑल पॉजिटिव, ऑल मींस ऑल कंपोनेंट sin cos tan cosecant secant cotangent ये सब 6 की बात कर रहे हैं, ऑल मींस सारे के सारे यहां पॉजिटिव, यहां sin और उसका इनवर्स cosecant पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, मींस यहां पे cos क्या होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan, ठीक है, तो यहां पे भी cos क्या होता है नेगेटिव, टू कॉफी कॉफी मीन्स कॉसिकेंट सिकेंट यहाँ टेंजेंट कोटेंजेंट, ओके, टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे देखिए कॉस आ गया कॉफी कॉस कॉस कॉल सिकेंट, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, इन दोनों में क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब इन दोनों में क्या करना है हमें, ये 90 प्लस रूल नहीं लगाना, यहाँ 270 नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अगर ये लगाओगे तो आपको पता है साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विद 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा,
और आपको पिछली वेक्टर्स की क्लासेस में भी ये बताया कि एंगल जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा दैट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 and 180, ठीक है, मिनिमम एंगल कंसीडर करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन बची, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, दोनों में नेगेटिव है आपका कोस। तो आप यहाँ पे 180 माइनस थीटा करोगे, थीटा हमारा ऑलरेडी आ रखा है इस वैल्यू का कितना 60 डिग्री, तो 120 आ गया या 240 आ गया, ठीक है। तो 240 नहीं लेना है क्योंकि वो लार्जर एंगल है, दोनों के बीच का मिनिमम एंगल कंसिडर करना है भाई। तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल में जो एंगल आएगा, सो दैट इज 180 माइनस थीटा मीन्स 120 डिग्री, तो थीटा हमारा आ गया 120 डिग्री अकॉर्डिंग टू दी गिवन क्वेश्चन। इन दोनों के बीच अगर दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल है, रिजल्टेंट भी उनका इक्वल है, तो आपका एंगल हमेशा कितना रहेगा, 120 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा भी न्यूमेरिकल कर लो, मैग्नीट्यूड 333 ले लो, 444 ले लो, 555 ले लो, तो आपका रिजल्टेंट एंगल कितना रहेगा, 120 रहेगा विद दी हॉरिजॉन्टल वेक्टर, ओके। तो नेक्स्ट चलिए न्यूमेरिकल नंबर, ये सेकंड था हमारा, नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड के पास, क्लियर, ओके भाई। क्वाड्रेंट्स अगर क्लियर नहीं है तो एंगल फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप क्वाड्रेंट्स की क्लास अटेंड कर लो प्रीवियस मैथमेटिकल टूल्स में जाकर के, ओके। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्लास की तरफ, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, फिर से वही बात, F1 ले लो पहली फोर्स, दूसरी फोर्स F2 ले लो, वो दोनों इक्वल दे रखी हैं। लेट अस कंसीडर F1 एंड F2 आर दी टू फोर्सेस, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखी हैं, इक्वल दे रखे हैं, इक्वल रख लो, इक्वल रखे हमने उसको F की इक्वल रख लिया, ठीक है। मैंने दोनों 3 न्यूटन है, दोनों 4 न्यूटन, दोनों इक्वल है, एक्टिंग एट राइट एंगल टू इच अदर, कितना इजी क्वेश्चन है, दोनों के बीच एंगल कितना है भाई, राइट एंगल टू इच अदर, थीटा 90 डिग्री, ठीक है। कितना रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट इज गिवन एज 14.14 न्यूटन, ठीक है, हमें रिजल्टेंट दे रखा है कि रिजल्टेंट किसका, टू इक्वल फोर्सेस का, इन दोनों का इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट ये दे रखा है। हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स फाइंड करनी है, ईच फोर्स मीन दोनों है इक्वल, हमें यही तो फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बस सॉल्व हो गया, बड़ा इजी है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos ऑफ 90 डिग्री, यहां स्क्वायर डाल लो, R स्क्वायर इक्वल टू F1 की वैल्यू, F स्क्वायर इसकी भी, F स्क्वायर 2 F स्क्वायर cos 90 कितना होता है भाई, 0 डिग्री, 0 सॉरी, तो z 0 हो गया। आस्केर इज इक्वल टू, भाई जब भी वेक्टर आपके 90 डिग्री पे होना तो डायरेक्टली पाइथागोरस अप्लाई कर दो टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है क्लियर हो गया। तो पाइथागोरस स्पेशल केस कह सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ओके। तो ये पाइथागोरस ही है, ठीक है। तो इसको क्या करो, आस्केर इज इक्वल टू 2f2, आर इज इक्वल टू √2f, कितना फोर्सेस की बात कर रहा है, ऑब्वियसली यूनिट्स होंगी, पीछे लिख दो आप कहीं न्यूटन लिखा होगा ना, ये तो न्यूटन, सो दिस इज न्यूटन इज द यूनिट एंड दिस √2f इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, एंड हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना 14.14 न्यूटन √2f, यहाँ पे f फाइंड करना है हमें 14.14 / √2, एंड 14.14 / √2 की वैल्यू 1.414, यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया आपका 10 न्यूटन, सिंपली। तो हर आपके मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, F1 F2 दोनों ही F के इक्वल है, और हमारा F कितना आ गया क्वेश्चन से 10 न्यूटन आ गया, और दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 न्यूटन, हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। आप भाई छोटी सी बातें हैं, √3 को याद रखो वैल्यू 1.732, 2 की वैल्यू याद रखो 1.414, ये आपकी कुछ नहीं करती, स्पीड बढ़ा देती है आपके न्यूमेरिकल्स करने की, ठीक है, ओके। तो इजी हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, है ना। तो अगर 6 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, √3 × √2 लिख सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक √5 की वैल्यू याद रख लो, है ना, तो ये हो जाएगा आपकी, किसी भी रूट का वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा आपको, जिसके फैक्टर बन जाते हैं, फैक्टर ऑलमोस्ट 2-3 में बनेंगे अगर फैक्टर बन जाते हैं तो, 2-3-5 में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ, ठीक है।
हम न्यूमेरिकल नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है टू फोर्सेस हूज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। टू फोर्सेस पहले वही बात, एक एफ वन ले लो, लेट एफ वन एंड एफ टू आर दी टू फोर्सेस, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की रेशियो हमें दे रखी है, रेशियो मींस डिवाइड, कितना दे रखा है 3:5, ये हमें दे रखा है। गिवन ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, अब दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आता है भाई, रिजल्टेंट दिस इज एफ, से एफ इज का रिजल्टेंट है, आर रिजल्टेंट है, कितना आ रहा है, मैं एफ बार बार तब लिख रहा हूँ क्योंकि एफ हमने स्टार्टिंग में रिजल्टेंट लिया था फर्स्ट न्यूमेरिकल में, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया 35 न्यूटन। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और यार एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हमें फाइंड क्या करना है, एफ वन फाइंड करना है एंड एफ टू, अभी दोनों इक्वल नहीं है भाई, ऐसे आएंगी कि इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 3:5, क्लियर। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखिए रिजल्टेंट हमें दे रखा है, टू फोर्सेस की रेशियो दे रखी है और इन्हीं की रेशियो की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी वैल्यू आएगी, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। ओके, तो हम पहले ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, आर इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर। ओके, तो एफ वन की वैल्यू कितनी है भाई, एफ वन की वैल्यू अब यहां से निकाल लो 3:5, भाई यहां से निकाल ली, रेशियो हमें गिवन है, एक की वैल्यू दूसरी की टर्म में निकाल ली है ना आपने, तो आप यहां पे पुट कर दो 3/5 एफ टू स्क्वायर, यहां पे एफ टू का एफ टू रखो क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका एफ टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमें ऑलरेडी दे रखा है तो यहां से एफ टू फाइंड कर देंगे, है ना भाई, एक इक्वेशन से एक ये मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है, इसकी एक ही इक्वेशन से आप एक ही तो वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, एक ही वेरिएबल फाइंड कर सकते हो, फाइंड हमें कितने करने थे, दो वेरिएबल और एक रिलेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी, सारी रिलेशन एफ टू वेरिएबल में आ गई, तो एफ टू की वैल्यू आप यहां से ऑलरेडी इजीली फाइंड कर लोगे क्योंकि एक इक्वेशन एक वेरिएबल हमें फाइंड करना है, बाकी सब गिवन है, सॉल्व करो तो फाइंड हो जाएगा। F1 की वैल्यू पुट कर दी, F2 as it is cos of theta between them, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है, रिजल्टेंट इज गिवन एज 35 न्यूटन, क्लियर, बस वही इनको सॉल्व कर लो। आप सॉल्व कैसे करोगे 35 के, अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे ऐसे देखो, ठीक है, 3 × 3 9/25, F2 square कितना आएगा भाई यहाँ पे 2 × 3 6/5, एफ टू स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, क्लियर, तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 एफ टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस कितना आ गया भाई 3/5 एफ टू स्क्वायर, क्लियर, 35 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो आप इसको सारे को, एलसीएम कितना आएगा भाई 25, तो 9 F2 square 25 F2 square 5 25 × 3 15 F2 square, क्लियर, और यहाँ पे 35 लिखो। अब यहाँ पे इस साइड का स्क्वायर जो है स्क्वायर को सॉल्व करना भी, ठीक है, इसका स्क्वायर ले स्क्वायर रूट कर दो, और पहले ऐड करो कितना आएगा 25 + 15 14, है ना, 40 + 9 14 9, क्यों ऐड कर दिया भाई, क्योंकि सब एफ टू स्केयर में है 25, और ये स्केयर इसका 35 का स्केयर कम किया, चाहे आर की वैल्यू बाद में पुट कर देना, आर आर एक पे ले आओ, आर का स्केयर रूट कर दो इधर ले आके, ठीक है, स्केयर रूट करना आसान है स्केयर के कंपैरिजन, है ना, तो भाई यहां से कितना आ गया 35, अब देखिए 49 का स्केयर रूट 7, एफ टू स्केयर एक स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 7 F2 / 25 का स्केयर रूट 5 होगी, है ना, तो बस हो गया सॉल्व, कितना आ गया F2 आपका 35 × 5 / 7
7 7 5 का 7 7 5 का 35 5 into 5 25। तो ये रहा आपका F2 का वैल्यू 25 न्यूटन। तो यहां से F2 की वैल्यू आ गई हमारी 25 न्यूटन, और हमें F1 F2 चाहिए। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, तो यहां पे आप नोट कर दो F1 3 F2 की वैल्यू कितनी आई 25 डिवाइड बाय 5 5 5 25 5 into 3 15 न्यूटन। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायरमेंट थी दोनों फोर्सेस की, हमारी F1 कितनी आ गई दैट कम्स आउट टू 15 न्यूटन, और F2 कितनी आ गई आपकी 25 न्यूटन। अब चेक, क्रॉस चेक कैसे करना है, रेशियो फाइंड कर लो F1 over F2 15 over 25, तो रेशियो करोगे कितना आएगा 3/5 ही तो आएगा। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल है, बस हमें टू फोर्सेस होती हैं, एक रिजल्टेंट है एक एंगल है, चार चीजें हैं, इनमें से को घुमा फिरा के हमें एक ही चीज फाइंड करनी है, बाकी सब दिया गया होगा, है ना। अगर डायरेक्शन की बात करेगा तो डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की, ना इस न्यूमेरिकल में ना इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5th। ओके, तो 5th की तरफ करते हैं। अब देखिए 5th न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है, वो इज आस्किंग एट व्हाट एंगल, अब एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, एट व्हाट एंगल, मैंने पहले बताया कि दो फोर्सेस, टू वेक्टर्स मींस एक रिजल्टेंट एक एंगल, चारों में से कोई तीन दे रखे होंगे, एक फाइंड करना होगा। ठीक है, घुमा फिरा करके एट व्हाट एंगल क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, टू फोर्सेस P+Q एंड P-Q, कितनी फोर्सेस है, पहली फोर्स दे रखी है आपको P+Q, सेकेंड फोर्स दे रखी है आपको P-Q एट एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज, दोनों का रिजल्टेंट कितना है भाई, दे रखा है 2P² + Q² का स्क्वायर, भाई ये रिजल्टेंट दे रखा है। ठीक है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, रिजल्टेंट दे रखा है हमें, जैसा दे रखा है वैसा रिजल्टेंट ले लिया, फर्स्ट फोर्स P+Q है, सेकंड फोर्स P-Q है, एंगल दोनों के बीच F1 F2 के बीच एंगल फाइंड करना है, बस वही फॉर्मूला फिर से लगाओ, R² = F1² F2² 2F1 F2। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला क्लास लगाते लगाते जो लगाते आ रहे हो वेक्टर, कभी भूलो नहीं फॉर्मूला। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। ओके, तो बच्चा घबराना नहीं है, वेक्टर बहुत आसान है, उसको हम यूज कर रहे हैं, देखिए यूज करते वक्त तो और भी आसान हो गया, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो R² की वैल्यू चलो बाद में पुट कर देंगे, अभी इसको ऐसी रख दो, ये हमारी वैल्यू है। ओके, F1 पुट करो P+Q² F2 पुट करो P-Q² यहाँ पे पुट करो 2P+Q 2P-Q और थीटा तो हमें रिक्वायर्ड ही है। ठीक है, R² की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, इसको पहले स्क्वायर ओपन करो A² + B² + 2AB 2AB, अभी ट्राइंगल माइंड में है ना, तो आगे ऐसे चल रहा था A + B² + 2AB। ओके, ये अप्लाई हो गया, अब प्लस P-Q को ओपन करो A² + B² - 2PQ, ये वाला ओपन हो गया, इसका ओपन कर दिया, ये माइनस वाले का ओपन कर दिया, अब प्लस 2P+Q A + P A - B P+Q P - Q मीन्स A² - B² cos θ एज इट इज, भाई A + B A - B का फॉर्मूला A² - B²। ओके, R² = 2, अब ऐड कर दो P² में P² ऐड हो जाए कितना आएगा 2P² Q² में Q² ऐड हो जाए कितना आएगा अभी 2Q², अब 2PQ - 2PQ से कैंसल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। ओके, दो बाकी P वाले ऐड हो गए P² Q² ऐड हो गया, और पीछे लेफ्ट क्या बचा हमारे पास 2P² - Q² cos θ। भाई F1 ये वैल्यू दे रखी है, F2 ये दे रखी है, तो जैसी दे रखी है वैसे पुट कर दी, सारा मैथ है, सारा मैथमेटिक्स है, ये एक फॉर्मूला वेक्टर का। ठीक है, वो एक ओके, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में सारा, अब सारे मैथमेटिक्स के तो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो रिजल्टेंट है, ये फिजिक्स बताता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं ना, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आर स्क्वायर, 2p² प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 2p² प्लस 2q² इज 2p² माइनस q² इज इक्वल टू cos थीटा एज इट इज। सारी रिजल्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जो हमें दे रखी है इन द क्वेश्चन, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो कितना बचा भाई 2p² प्लस q², यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2p² प्लस q², ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2p² माइनस q² cos ऑफ थीटा, भाई ये वाली कर रहा हूं इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करके जीरो, ये इधर लेके जाओगे क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है वो लेफ्ट साइड पे रखो बाकी सारे राइट साइड पे। अब इसको cos थीटा निकालना है यहां से, ठीक है, इसको इधर लेके जाओ पहले तो, ठीक है, फिर इसको इधर लेके जाओगे तो लिख लेके जाओ, चलो धीरे धीरे करो, ठीक है, आराम से समझ आएगा आपको स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप बीच में मिस नहीं करना। ओके, तो ये देखिए जब ये इधर लेके तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 1-1 2-2 3-3 दिस टर्म माइनस दिस टर्म जीरो, तो कितना आएगा 0 इज इक्वल टू 2p² माइनस q² cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां से cos थीटा लेके आओ 0 बाय दिस टर्म, तो कितना आएगा 0, एंड cos थीटा 0 का होता है व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कब cos 0 का होता है जो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना हो 0 के लिए। ओके, तो ये रहा सिंपल प्रोसीजर टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू गिवन वेक्टर, अब दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई 90 डिग्री, और उसका रिजल्टेंट क्या होगा ए होगा। अब अगर दोनों के बीच का वेक्टर दे रखे हो, एंगल दे रखा हो, तो फाइंड द रिजल्टेंट, तो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, फॉर्मूला ही लगेगा, वहां पे एंगल पुट कर देना है बस, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन और है, दो के भी तीन बना देंगे हम क्वेश्चन अगर बनेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 6 पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं। ए बॉडी साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, 1 10 मीटर, भाई एक बॉडी को एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक ही समय पे दो वेलोसिटीज एक साथ प्रोवाइड कर दी, इन एक वेलोसिटी दी आपको इस साइड पे, अब पहले तो वो बना लो डायरेक्शंस, दिस इज से इफ दिस इज ईस्ट देन दिस विल वेस्ट, है ना, इफ दिस इज ऑब्वियसली ये नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ साइड होगा, ओके, ये हमें स्टैंडर्ड डायरेक्शन। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बॉडी मान लीजिए यहां पे है एट पॉइंट ओ, है ना, बॉडी साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, और यहां से बॉडी मूव कर रही है, मान लीजिए यहां से हमने बॉडी को दो वेलोसिटीज प्रोवाइड कर दी, वन इज अलोंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ ये जा रहा है ईस्ट, तो यहां पे बॉडी को वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी से वी वन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, है ना, एंड अदर 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ वेस्ट, तो दूसरी प्रोवाइड करती नॉर्थ वेस्ट की तरफ, अब साउथ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, साउथ को क्या करो क्वेश्चन से इरेज कर दो, साउथ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और दूसरी वेलोसिटी भाई यहीं पे प्रोवाइड की है साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटीज बॉडी को प्रोवाइड कर दी, 10 मीटर पर सेकेंड पे, दूसरी प्रोवाइड कर दी 20 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी गिवन है नॉर्थ वेस्ट, भाई ये नॉर्थ वेस्ट का मीन क्या है, एग्जैक्टली बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट, तो ये एंगल कितना होता है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड डायरेक्शन स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री, एंड इन एग्जैक्टली इन बिटवीन नॉर्थ वेस्ट की मीन्स टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये रही आपकी वेलोसिटी नंबर 2, कितनी 20 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, 10 मीटर टूवर्ड ईस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब इसी पॉइंट से उस तरफ की डायरेक्शन दे दी 20 मीटर पर सेकेंड पे, टूवर्ड इन बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच का मतलब ये एंगल कितना हुआ नॉर्थ के साइड 45, और यहां पे भी एंगल कितना होगा वेस्ट की साइड पे वो भी 45 ही होगा। ओके, तो ये हमने बना लिया स्टैंडर्ड डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन हमें
अब दोनों का रिजल्ट कैन फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे देखिए दो वेक्टर कहां पे मेरे, v1 इधर है v2 उधर है, तो मुझे वेस्ट क्या जरूरत, यहां पे इमेज करो वेस्ट को, मुझे अब नॉर्थ की भी क्या जरूरत, ठीक है। अभी अगर ये वाला एंगल आपका नॉर्थ साइड पे 45 है, ये 90 है, तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना बन गया 135 डिग्री, ऑब्वियस दोनों एड हो जाएंगे ना, तो 90 तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में था और हमारा 45 किसके बीच में आ गया, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में था, तो एंगल टोटल 45 प्लस 90 कितना हो गया 135, तो एंगल हमें यहां से दे नहीं रखा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने एंगल फाइंड कर लिया, दैट इज 135। नाउ थीटा इज इन दिस क्वेश्चन, थीटा इज 135, ये ध्यान रखना, ओके, क्योंकि 90 प्लस 45 135, हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट, हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट आपको ये भी पता है कि रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं होगा, भाई रिजल्टेंट फाइंड करना है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बोला आप, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ आप, v1 square v2 square, अब वेलोसिटी देखिए पहले ऊपर फोर्स चलती आ रही थी तो फोर्स वेक्टर था, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो वेक्टर वेलोसिटी में ले लिया आपने रिजल्टेंट को, 2v1 v2 cos of 135, क्लियर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर डाल दो रिजल्टेंट का, है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर कितना है भाई 10 स्क्वायर, v2 कितना है 20 स्क्वायर, 2 10 20, cos 35 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, हम cos 35 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45, ये तो है 90 प्लस 45, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया क्रॉस को, cos को, ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है, 10 स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर 400 प्लस कितना हो गया भाई यहाँ पे 200, यहाँ पे कितना हो गया 400 cos 90 प्लस 45, मैंने क्वाड्रेंट्स आपको अभी न्यूमेरिकल में करवाया था, 90 प्लस 45 मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है आपका नेगेटिव रहता है, ऐड शुगर टू कॉफी रूल, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, अगर 90 है तो cos चेंज हो जाएगा आपका साइन में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है इसका मतलब माइनस साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन 90 वाला चेंज हो गया cos से साइन में, तो 90 खत्म हो गया, तो पीछे क्या बचा 45, माइनस क्यों आया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, तो ये हो गया, और 90 की वजह से साइन आ गया, कन्वर्ट हो गया cos से साइन में, और एंगल एजिटिज आपका 90 प्लस थीटा, जो एंगल एजिटिज आपका 45 है, ओके। तो अब ये भी प्रीवियस क्लासेस से आप कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ठीक है, तुम यहाँ लगाएंगे लास्ट टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तभी तो एक्स्ट्रा क्लासेस बना दी जाती है, 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, तो आस्क ये, है ना, तो भाई इसको आप सॉल्व कर लो, 500 प्लस माइनस 400 डिवाइड बाय 1.414, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 400 से तो अप्रोक्सीमेटली आपका 280 something 282 283 something करीब आ जाएगा, ठीक है, तो अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 218, ठीक है, रिजल्टेंट यहाँ स्क्वेयर, तो आप जब आर का भी क्या लोगे स्क्वेयर रूट लोगे तो कितना आएगा 218 का स्क्वेयर रूट कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, 225 का कितना होता है 15, तो 15 से थोड़ा सा नीचे है ना, 14 का स्क्वायर तो है भाई 196, 15 का होता है स्क्वायर 225, तो ये अप्रोक्सीमेटली 225 के ज्यादा करीब है ना, तो 14.5 से तो ऊपर ही है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 14.7, ठीक है, ये क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी आ गई मीटर पर सेकेंड, जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं होगा वही फाइंड करना है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, क्योंकि ये बोला है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मींस इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, तो दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्लियर, तो इसकी हमें मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गई, यहां पता चल गई, अब हम फाइंड करते हैं इसकी डायरेक्शन को, ठीक है, रिजल्टेंट छवि मैग्नीट्यूड लिखे रहने, तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, tan अल्फा, कंसीडर एन एंगल, से मान लीजिए भाई आपका जो एंगल रिजल्टेंट है, मान लीजिए दिस इज द रिजल्टेंट,
तो यहाँ पे से रिजल्ट आ रहा है जो अभी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया कितना आया 14.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान लीजिए रिजल्टेंट है, कितना एंगल बना रहा है इस फर्स्ट वेक्टर के साथ, फर्स्ट वेलोसिटी के साथ अल्फा, तो ये टेन अल्फा फाइन एंगल फाइंड कर रहे हैं। अल्फा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, वी टू साइन ऑफ 130 फाइव टोटल एंगल दोनों के बीच का थीटा डिवाइड बाय वी वन प्लस वी टू कॉस 135। क्लियर, अब वी टू की वैल्यू कितनी है भाई 20 को साइन 35 को क्या लिखोगे साइन 90 प्लस 45 डिवाइड बाय वी वन प्लस वी टू कॉस को क्या लिखोगे कॉस 90 प्लस 45। क्लियर, टेन अल्फा चलते जाओ आगे, बस अब इसको सॉल्व कर लो 20 इंटू साइन 90 प्लस 45 साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एड शुगर एस मीन साइन, साइन क्या होता है पॉजिटिव, 90 है तो चेंज साइन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है चेंज हो जाएगा कॉस में, और एंगल का रहेगा 45 का 45। क्लियर, तो नीचे क्या आएगा बी वन की वैल्यू कितनी है बी वन 10 और बी टू 20 कॉस 90 प्लस 45 लास्ट अभी किया था हमने मैग्नीट्यूड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस कन्वर्ट हो जाएगा 90 के कारण साइन में, एंगल रहेगा 45, तो 20 कॉस 45 की वैल्यू रूट 1 बाय रूट 2 10 माइनस 20 1 बाय रूट 2। बस भाई इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है सॉल्व करोगे 20 बाय रूट 2, ठीक है 10 रूट 2 माइनस 20 बाय रूट 2, रूट 2 रूट 2 कैंसिल, कैंसिल करने के लिए ही एलसीएम लिया हमने, डिवाइड 10 रूट 2 माइनस 20 10 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.414 माइनस 20 है ना। ओके, तो ये वैल्यू हमने ऊपर लिखी बोल रही, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो सॉल्व कर लो 20 डिवाइड बाय जब करोगे 14.14 माइनस 20 तो कितना आएगा आपका भाई, तो नीचे सब्ट्रैक्शन करनी है अभी वी 20 ओवर, तो सब्ट्रैक्शन करोगे माइनस 5.86 एंड जब इसको 20 को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आएगा माइनस 3.4 अप्रोक्सीमेट माइनस 3.4 और अल्फा आपका आएगा टैन इनवर्स माइनस 3 नेगेटिव माइनस 3.4। आप आंसर यहां तक छोड़ सकते हो और इसको आप लिख देना है तो ये अप्रोक्सीमेट 16 डिग्री के करीब आंसर आएगा आपका अल्फा। सो दिस इज योर अल्फा 16 डिग्री विद योर वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड के करीब ये हमारा आंसर आ गया अल्फा 16 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आंसर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हमने लिखा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसीजर हमें सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 7, ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा इस क्लास का। तो नेक्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या दे रखा है, फाइंड टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्सेज है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए एक फोर्स है एफ वन, दूसरी फोर्स है एफ टू, एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, हैव रिजल्टेंट ऑफ 10 kgf। हमने टू फोर्सेज एज्यूम करनी इस पॉइंट से, ठीक है इस पॉइंट से टू फोर्सेज एज्यूम करी, एक जा रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मान लीजिए कोई से एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू, कोई तो बड़ी होगी दोनों में से, इक्वल एंड ऑपोजिट तो नहीं दे रखी है ना, दोनों फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का रिजल्टेंट हमें दे रखा है कितना है 10 kgf। दोनों का रिजल्टेंट कितना है 10 किलोग्राम फोर्स, kgf इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज आल्सो यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके, तो एक एब्सोल्यूट यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है, पढ़ेंगे बाद में चल के आगे। ठीक है, जब फोर्स की बात करेंगे, ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए है हमारे पास है ना। तो एक मान लीजिए f1 f2 फोर्सेस ले ली, f1 आपने बड़ी ले ली है ना, अब दोनों का रिजल्टेंट कितना दे रखा है, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना है 180, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। भाई पता ही आपको ऑपोजिट डायरेक्शन वेक्टर क्या होते हैं, सबट्रैक्ट, तो बड़ा कौन सा है f1 हमने कंसीडर किया, तो f1 माइनस f2 कितना है 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका, इस डायरेक्शन में। तो आप इसको निकाल भी सकते हो भाई, अगर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा
ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हुआ 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली लिख दिया ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस, जो स्टार्टिंग की क्लास में बता करके आए थे आपको। अगर आपको रिजल्ट निकालना ही है तो आप निकाल सकते हो कैसे, F1 square, F2 square, 2F1, F2 cos of 180, है ना। तो ये करते हैं 180 मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, तो F1 लिखो, F2 लिखो, क्योंकि वैल्यूज हमें फाइंड पता ही नहीं है कितनी है। 2F1 F2 cos 180 क्या होता है, -1। ठीक है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर स्क्वायर F1 प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। अब देखिए क्या हो गया, ये F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर नहीं हो गया क्या। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ गया आपका, F1 माइनस F2, और रिजल्ट कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, 10 kgf किलोग्राम फोर्स यूनिट दे रखी है। ठीक है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की तरफ करते हुए, यही हमें, ये हमें डायरेक्ट लिख लिया, ये हमें डायरेक्ट लिख लिया बाय अवर नॉलेज की ऑपोजिट डायरेक्शन है, वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमें दे नहीं रखा, हमने कंसीडर कर लिया F1 बड़ा है, तो F1 से F2 को माइनस करके रिजल्ट कितना बचा, 10 न्यूटन। थे 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में बचेगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, जो F1 बड़ा है, जो बड़ा है। ठीक है, F2 बड़ा ले लोगे उस डायरेक्शन में बचेगा, तो F2 माइनस F1 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए F2 माइनस F1 लिखो तो भी ये आएगा, F1 माइनस F1, F1 माइनस F2 लिखो तो भी ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ये पार्ट हमें करने की कोई जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो आपने लिख दिया इसी इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। इफ दे एक्ट एट 90 डिग्री टू ईच अदर, अगर मान लीजिए अगर दोनों किस किस डायरेक्शन में एक्ट हो गए, 90 डिग्री पे एक्ट हो गए, से दिस इज F1, दिस इज F2, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ दे एक्ट एट 90 डिग्री टू ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट इज 50 kgf, दोनों वही फोर्सेस हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन है, अगर 90 डिग्री पे एक्ट हो रही तो रिजल्टेंट कितना है, 50 न्यूटन। ठीक है, 50 kgf सॉरी, है ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, अब cos कितना आएगा, 90 डिग्री, क्यों भाई, बिकॉज दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो cos is equal to F1 स्क्वायर इज दिस, वैल्यू तो पता ही नहीं है कितनी है, और cos 90 क्या होता है, जीरो, मैंने बताया अगर परपेंडिकुलर है तो ऑलवेज आप लगाओ पाइथागोरस। ठीक है, तो आज के कितना है आपका, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्लियर भी इस क्वेश्चन में, और रिजल्टेंट हमें दे रखा है कि इसका आर कितना है, इस केस में 50 है, तो 50 स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, दिस इज सेम इक्वेशन नंबर 2, हमें क्या पता करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, हमें F1 एंड F2, F1 एंड F2 दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर, बस अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू दी मैथमेटिक्स। ठीक है, सॉल्व कर लो आप, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, यहां से F1 की वैल्यू निकालो, कितने आएगी, 10 प्लस F2, इसको पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो 50 स्क्वायर 25 बन जाएगा, F1 की वैल्यू निकाल ली, 10 प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2500, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, दो इक्वेशन चाहिए थी, एक ये रही, दोनों मिल गई दो कंडीशन से, है ना, सॉल्व कर लो दोनों वेरिएबल आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस F2 स्क्वायर। ओके, ये डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया यहां से। ओके, तो 10 स्क्वायर 100 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 20 F2 प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल 2500। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करते जाओ आप आगे, F2 स्क्वायर टू F2 स्क्वायर 2F2 स्क्वायर प्लस 20 F2 प्लस 100 इज इक्वल 2500। ठीक है, बस ये आपको लग नहीं रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन F2 में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ F2, तो F2 F2 स्क्वायर 20 F2 इधर ले आओ 2500 को, कितना आएगा, माइनस 2400, क्योंकि 100 जो था 2500 से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर बना लो इसके, तो फैक्टर बनाने से पहले एक काम और करो, F2 स्क्वायर 2 कॉमन ले लो, 10F2 माइनस 1200। ठीक है बेटा,
अब इसके बस फैक्टर बना लो यार, क्या फैक्टर बनेंगे, इजी है, 40 और 30 बनेंगी, 40 और 30 बनेंगे, आप देखिए ठीक है, तो 40 और 30 आपके बनेंगे फैक्टर्स। तो ऊपर चलते हैं यहां से, यहां से ये चीज तो रेज कर दें, सेकंड इक्वेशन नहीं चाहिए हमें, फर्स्ट इक्वेशन भी नहीं चाहिए, तो फर्स्ट चाहिए होगी ठीक है, क्यों चाहिए होगी हमें, यहां से F2 की वैल्यू आएगी तो F1 फाइंड करने के लिए, ओके, तो F2 स्क्वायर प्लस 40 F2 माइनस 30 F2 ठीक है, फैक्टर बन गए दो हमारे, बस भैया अब सॉल्व कर लो यार, F2 कॉमन लो, F2 प्लस 40 ठीक है, माइनस 30 F2 प्लस 40 इज इक्वल टू 0, तो एक आ गया F2 आपका कितना 30 न्यूटन, न्यूटन नहीं भाई kgf किलोग्राम फोर्स ठीक है, और एक आपका F2 आएगा यहां से माइनस 40 किलोग्राम फोर्स, क्योंकि यूनिट हमें किलोग्राम फोर्स में दे रखी है सारे ठीक है, यहां पे भी किलोग्राम फोर्स ठीक है, ओके बेटा, तो हमारा एक आ गई ये, तो फोर्स ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ये ध्यान रखना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, यहां पे लिखो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, क्या मैग्नीट्यूड कभी जीरो हो सकती है, भाई मैग्नीट्यूड का मतलब ही है कि मैग्नीट्यूड मींस मॉडुलस, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, तो प्लस 40 बन जाएगा, तो जो प्लस आ रही है हमें वो लेनी है, तो यहां से F2 कितना आएगा, दिस वन, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है, तो F2 कितना आ गया आपका 30 न्यूटन, बस क्वेश्चन सॉल्व, एक F2 हमारा आ गया, तो इसको क्या पुट करो, यूजिंग इन वन, तो F1 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, तो F1 कितना आ गया आपका 40 किलोग्राम फोर्स, तो F1 ये रहा, F2 ये वाली वैल्यू रही, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी फाइंड हो गई इन दी क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है, तो भाई ये हमारे क्वेश्चंस हैं वेक्टर के ऊपर, तो आप करिए अच्छे से करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है ना, तो आप प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट्स परफेक्ट है ना, तो ये होनी चाहिए स्टेटमेंट, तो आप करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे रहोगे, क्योंकि लर्नर हमेशा स्टूडेंट ही होता है, हम भी अभी जिस स्टेज पे हैं तो अभी हम भी कोई चीजें नई नई सीखते हैं, तो हम भी स्टूडेंट ही हैं, आप भी स्टूडेंट हो ठीक है, एक दूसरे को पढ़ाना ही टीचिंग है ठीक है, तो आप पढ़िए अच्छे से करिए, कोई डाउट हो तो आप सेंड कीजिए, तो आपके उस क्वेश्चन के ऊपर आपको अलग से सेंड कर दूंगा थ्रू जीमेल और थ्रू कमेंट्स और थ्रू आपके जो आप क्लास बनाने की कहोगे, ज्यादा नहीं होंगे तो क्लास बना देंगे ठीक है, तो टिल देन गुड लक, थैंक यू।